अगर आप महंगे प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, लेकिन जेब में कम रकम के चलते उन्हें खरीद नहीं पाते हैं, तो इस फेस्टिव सीजन में आपकी उलझन दूर हो सकती है। कोरोना काल में अब ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स 50% तक सस्ते होने का मन कंपनियां बना चुकी हैं। दरअसल कोरोना में बिक्री न होने से कंपनियों के पास ऐसे प्रोडक्ट्स का बड़ा भंडार जमा हो गया है, जो कंपनियां अपने मिड टू प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स पर 50% तक डिस्काउंट देने वाली हैं। उनमें शामिल है सैमसंग, एलजी, शाओमी, पैनासोनिक, टीएलसी, रियलमी, थॉमसन, वीवो, बीपीएल, कोडेक। लेकिन इन कंपनियों के उन्हीं प्रोडक्ट्स में छूट मिलेगी जो ज्यादा कीमत के हैं और जिनकी बिक्री कोरोना काल की बेरोजगारी और आमदनी में कमी से घटी है। इन प्रोडक्ट्स में शामिल है मिस टू प्रीमियम स्मार्टफोन, एयर कंडीशनर, 55 इंच के टीवी। इस तरह के महंगे प्रोडक्ट्स का स्टॉक जमा होने से कंपनियों को अब इन्हें निकालकर नकदी में भुगतान के लिए बड़े डिस्काउंट पर भरोसा है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट 20,000 रूपए से ज्यादा के स्मार्टफोन पर मिलेगा। एलजी अपने हाई प्रोफाइल स्मार्टफोन की कीमत में 60% तक की कमी करने के लिए तैयार है। सैमसंग भी अपने महंगे फोन की कीमत 35% तक घटाएगी। एप्पल के आईफोन और आईपैड पर भी भारी छूट का तोहफा इस फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को मिलेगा। हालांकि इस बार रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव की अच्छी डिमांड की वजह से इन पर ज्यादा डिस्काउंट मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा सभी एंटी लेवल प्रोडक्ट्स की डिमांड में 2019 के मुकाबले खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में यहां बम्पर डिस्काउंट्स की उम्मीद नहीं है। कई प्रोडक्ट्स पर जरूर उम्मीद है कि 2019 से डिस्काउंट 1,000 से 5,000 की रेंज में ज्यादा होगा। कोरोना काल में लोग बाजार में खरीदारी करने से कतरा रहे हैं, ऐसे में इस बार ज्यादातर बिक्री ई कॉमर्स से होनी है। वैसे ई कॉमर्स के जरिए कुल स्मार्टफोन की 32%, कुल प्रीमियम स्मार्टफोन की 43%, कुल टीवी की 32%, कुल अप्लायंसेस की 15% और कुल लैपटॉप की 42% बिक्री होती है। ऐसे में ई कॉमर्स पर मुमकिन है कि महंगे सामान पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स मिले, लेकिन इन प्रोडक्ट्स पर सेल का ये दावा तभी चलेगा जब लोगों के पास कोरोना काल की चुनौतियों से पार निकलकर लग्जरी पर खर्च करने के लिए पैसा होगा।